हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की जिंदगियों में किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला है। एक ऐसा ही खेल खेला गया था माधुरी दीक्षित के करियर में भी। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म रही अबोध, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये पहला ब्रेक इन्हें मिला कैसे? हुआ दरअसल यूं कि माधुरी दीक्षित खुद डांस में और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट लेती थी अपने स्कूल डेज में, लेकिन ये बात दुनिया के सामने पूरी तरह से आई भी नहीं थी। ये भी बात साफ नहीं थी कि आगे जाकर एक्ट्रेस ही बनेंगी। पर उसी दौरान इनकी एक फैमिली फ्रेंड ने इनका नाम सुझाया राजश्री प्रोडक्शंस को। ये फैमिली फ्रेंड दरअसल राजश्री फिल्म्स के लिए काम किया करते थे, राइटर थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, जिस तरह का भोला भाला चेहरा हमें चाहिए, मासूम चेहरा हमें चाहिए, वो सारी खूबी इस नन्ही सी लड़की के चेहरे में नजर आती है। बस माधुरी दीक्षित का स्क्रीन टच हुआ, बात बन गई, अबोध फिल्म में ये नजर आई और राजश्री प्रोडक्शंस ने इन्हें लॉन्च किया। वो और बात है कि फिल्म उस तरह के नतीजे नहीं दिखा पाई जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, पर राजश्री प्रोडक्शंस ने माधुरी दीक्षित का साथ नहीं छोड़ा। आगे जाकर बनाई फिल्म हम आपके हैं कौन, और उस फिल्म ने तो इतिहास रच दिया। आज भी वो निशा हमें याद है।